हेलो एवरीवन, क्वाय फेस। आज हम यहाँ आए हैं भारतीय संस्कृति डिस्कस करने वाले आज अपने। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर, जो एस्पायरेंट्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सर, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी जो सेकंड पेपर है हाँ ना, सर, सेकंड पेपर में सिर्फ बायोलॉजी की बातें होंगी। आज हम सर अपना सिलेबस डिस्कस सिलेबस करने डिस्कशन। वाले, और सर ऐसे ही हम बहुत जल्द आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सर 5 पेपर, 11, 13, हाँ सर, 15, 18, 22, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कशन। अगले वीक। बहुत चलिए। ज़्यादा बेनिफिट है, हाँ फायदा होने वाला है आरपीएससी फर्स्ट के जो स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्रॉपर आते। तो सर चलिए। योगेश सर, आज हम क्या करने हाँ वाले हैं, आज हम डिस्कस कर पेपर को। फर्स्ट ठीक है। पेपर तो जीके का है, सेकंड पेपर अपना हाँ, बायोलॉजी का सर, बिल्कुल जूलॉजी है, जूलॉजी जुलो, हाँ बॉटनी और जुलॉजी है। दो। हाँ जुलॉजी से कर रहे हैं, बॉटनी से। अब देखिएगा, तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सर, अभी जी जो सर, पिछला बेस था अपना बीच में सेलेक्ट, अभी आप देखना चाहते हो शाम। तो आरपीएससी का लेक्चर स्कूल लेक्चर जी पोस्ट ऑफ लेक्चर स्कूल प्रोफेसर बायोलॉजी के लिए सर, दो पेपर होते हैं, पेपर बस। अब इस थर्ड पेपर का सर 4 पार्ट होते हैं, 2, 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट चार हैं। पार्ट इन 4 पार्ट में जो फोर्थ पेपर है सर, वो पीडेगोजी का होता है ना। बात करते हैं टीचिंग एजुकेशन की, बात विजन, है एजुकेशन की। तो इसको नहीं लेकर सर ये तो क्या सर करें, बच्चे पढ़ के आए बी एड में। आए आप, बिल्कुल इस बार सोच रहे। अब जो बाकी के 3 बचे, वो 3 लेवल सर, 3 पार्ट, एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, एक वो सीनियर सेकेंडरी लेवल सीनियर का है, सेकेंड लेवल और और एक एक ग्रेजुएशन ग्रेजुएट लेवल लेवल का पे, है। तीनों ठीक है, चीजें कवर किए ना। तीनों चीजें कवर करिए, मतलब आपको नाइस। एनसीईआरटी भी पढ़ना होता है सर इसमें, आपको बीएससी की बुक्स भी पढ़नी बीएससी बुक्स पड़ेगी, भी पढ़, और इसमें एमएससी की एमएससी बुक्स का भी भी पढ़नी पार्ट पड़ेगी। वन। तो ये सर अच्छा बहुत टीडियस है, अगर देखा हाँ, जाए तो टीडीएस है इतना ज्यादा वेरिएशन बहुत परेशान करता है बच्चे जी बच्चों को सर, लेकर। अब देखिएगा, पहले जी सर। पार्ट की बात करूँ सर, तो उसमें सीनियर सेकेंडरी सीनियर लेवल की सेकंड बात लेवल आती पे, है, तो 11th 12th लेवल का, इलेवन ट्वेल्थ लेवल एनसीईआरटी। का, बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी सर। पहले टैक्सोनमी हम पढ़ते हैं, हाँ फिर सर, लाइफ की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लाइफ, बायोडाइवर्सिटी क्या है, सर, जरूरत क्यों पड़ी, कंसेप्ट ऑफ क्रॉस स्पीसीज क्या स्पीशीज, है, टैक्सोनमी बिल्कुल। के तो फर्स्ट हायरार्की क्या यूनिट है, है सर, क्लास बायोनोमन नोमेनक्लेचर क्या की है। फर्स्ट, बिल्कुल सर वही वही तो वही है, चीज है वही वही। कौन कौन से टूल्स हम टूल्स पढ़ते हैं है, स्टडी को बिल्कुल लेकर, वही। क्या फाइव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम क्लास, 4, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, ये क्या है, ये इस पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी पार्ट में आपके पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में भी है एनिमल्स, और प्लांट्स प्लांट्स में भी। में सर, एनिमल्स में आप देखिएगा एनिमल टिश्यू, सेकेंड प्लांट में यूनिट प्लांट टिश्यू, प्लांट और उसके साथ देखो सर ये एनाटॉमी है, ये तो आगे एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी, स्ट्रक्चर फंक्शन एनिमल एनाटॉमी में आ गई। हाँ लीव्स मोनोकोटाइलडोन की लीव्स स्टेम हाँ किस डिफर सर, तार करती है, टाइप का ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है, इनफ्लोरेसेंस शूट क्या बस है, वही सेकेंड यूनिट ही लो, स्ट्रक्चर बस। ऑर्गेनाइजेशन सब हाँ योर एनिमल्स, प्लांट्स का और एनिमल्स का। एनिमल्स। अब लेकिन सर इसमें दिक्कत एक आ रहा है, हमने 5 साल के पेपर देख रखे हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर निकल, बिल्कुल आरपीएससी, आरपीएससी थोड़ा सा बाहर निकल बेसिक जाए। एंस बेसिक एनसीईआरटी तो बहुत, मतलब बहुत वाइड है सर, लेकिन क्रिस्प दे रखी है आरपीएससी, इसके उन आरपीएससी चीजों को फर्स्ट समझने के लिए और डिटेल में पढ़ना वो होता है ना, डिटेल में प्लांट थोड़ा सा पढ़ना होगा, वो मदद हम करते। फिर फिजियोलॉजी आपके पास सर प्लांट फिजियोलॉजी है, ये किसका, ये भी सर सीनियर सेकेंडरी हाँ लेवल वही का है है, सर, और एनिमल फोर्थ फिजियोलॉजी यूनिट, है। लेकिन सर यूनिट दो बहुत बड़ी बातें बहुत हैं, बड़ी इनमें से यूनिट बहुत सर, बड़ी बात है, थोड़ा सा बाहर नहीं। ठीक है, अभी तक हम किसकी बातें करें सर, सीनियर सेकेंडरी की सीनियर बात, सर, इसका जस्ट लेवल इलेवन फर्स्ट ट्वेल्थ मतलब इन ग्रेड टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो आपके 12th लेवल तक के आएंगे। लेवल तक क्या है।
तो इसमें देखो वाटर रिलेशन से लेकर ग्रोथ डेवलपमेंट नॉट डाइजेशन से लेकर रिप्रोडक्शन, ये सब टॉपिक भी एनसीईआरटी ऐसे ही सर। देखो। और देखिएगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इवोल्यूशन है ना, मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, यस क्रोमोसोम है, सेक्स डिटरमिनेशन, लिंकेज, हेरिटेबल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो इतना सही बहुत कम, बहुत कम दिया है, लेकिन ये यहाँ कम दिया है, आगे और आगे देखने को मिलेगा सर। ये इन्होंने फिर ग्रेजुएशन लेवल में डाला और आगे डाला हुआ है सर। ऐसे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो अप्लाइड सर, अप्लाइड बायोलॉजी हम पढ़, जूलॉजी भी आ जाती है इसमें सर, और बॉटनी भी, बॉटनी भी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जैसी बात है। जैसे प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, इंसेक्ट, मोलस्क, चार ही ग्रुप है लेकिन प्लांट में देखो सर, प्लांट में सीजल्स भी है, फाइबर यील्डिंग प्लांट भी है, ऑयल्स भी है, स्पाइसेस भी है, बेवरेज भी है, मेडिसिन, एक थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी का भी दे रहा है, कैंसर, एड्स, पैथोजेन, लेकिन ये कौन सा एनवायरमेंटल बायोलॉजी या आप इसको इकोलॉजी, इकोलॉजी कह दो, मतलब काफी हद तक सर ये जो फर्स्ट पार्ट है काफी अच्छा वेटेज करता है 70%। मतलब एनसीईआरटी की तैयारी थोड़ी सी करना हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही। अब देखिए सर, अब सिलेबस वो कब, हाँ देखना सर। अब दूसरा है पार्ट टू जो ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब जो आपका बीएससी लेवल का है, बी एस सी के लेवल की बुक से आपको इसको पढ़ना है। उसमें सर पहले देखिएगा सेल बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी का अभी जिक्र नहीं किया था हमने, अभी ये सेल बायोलॉजी है। इसी सेल बायोलॉजी में मोल बायोलॉजी भी है, मोल बायोलॉजी भी है। इसमें सर बायोकेमिस्ट्री का भी पार्ट, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट सर क्या है, आरपीएससी क्या कभी कभी क्या था हमें सिलेबस लिखी होती है, अलावा भी क्वेश्चन, अलावा भी क्वेश्चन ऐसे ही सर देखिएगा प्लांट्स का भी क्लास लेवल तक हाँ, बड़ा है, अब ज्यादा हो जाएगा। और कुछ एक फैमिलीज का फ्लोरल वेरिएशन देखना, ये अपडेटेड सिलेबस है, पुराना सिलेबस में रेनिकुलेसी, एस्ट्रेसी, फ्लोरल वेरिएशन। इसके अलावा सर एम्ब्रियोलॉजी भी है, कुछ एल्गोरिथम ऐसे भी हैं तो क्लासिफिकेशन के अलावा पढ़ने हैं, अमीबा, ओबेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरेंटिमा, पेरिमेटर, राना और रेबिट, बिल्कुल इनकी लाइफ साइकिल क्या है, इनका रिप्रोडक्शन क्या है, इनका और इंटरनल फीचर क्या है। अब देखो जब जैसे अब यहाँ बात करो तो पेरिप्लेनेटा शायद आईटी में होना चाहिए सर, पेरिप्लेनेटा तिलचट्टा जो वो इसमें, वो इसमें पेरिप्लेनेटा है, रानाटेग्रिना भी, रैबिट नहीं है, एस्केरिस होना चाहिए सर, एस्केरिस भी नहीं, अब हट गया ये मतलब, तो सर इन्होंने हटा दिया गुड एग्जाम से, गुड एग्जाम से सब आपकी मेहनत और बढ़ा दी। ऐसे सर प्लांट्स में देखोगे तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म लिख दिया पांच लाइनों में, लेकिन सर कितना एलोबोरेटेड ये चीजें होती है ना। तो ये बीएससी लेवल की बात है, बीएससी लेवल में देखो डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो ये डेवलपमेंट बायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी वाली है, गैमेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस से लेकर प्लेसेंटेशन, मैमल, ये होगी किस एनिमल्स की होगी, एनिमल डेवलपमेंट होगी। ऐसे रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या होगी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ये सब इंपॉर्टेंट। फिर एक टिपिकल इथोलॉजी भी आ गया, तो व्यवहार की भी कहते हैं इसको, और सर बायोस्टैटिक्स, फोन मीडियम तो है ही, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, बायोडायग्राम, बायोडायग्राम, ग्रेजुएशन लेवल, ये ग्रेजुएशन लेवल का था। अब देखिए सर इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बातें और करते हैं सर। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या हुआ सर, एमएससी लेवल की बात, थर्ड पार्ट। अब एक इकोलॉजी सर हमने जो आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी की भी पढ़नी है, और एक इकोलॉजी आपको एमएससी वाले भी पढ़नी है, कितना वेरिएशन है।
ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आपको एनसीईआरटी, हालांकि मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन एनसीईआरटी वाली आपको और आपको एमएससी वाली मेंशनड है एमएस लेवल का, वो एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही पड़ना, पढ़ना ही पड़ना है। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इसकी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है तो आपको तो बाद में सिलेक्टेड टॉपिक्स जो जो पढ़ा फिर एमएससी, फिर बायोलॉजी एंड टेक्निक्स, फोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री, एलाइजा, कम ये बहुत है। और आपको हम जो पांच पेपर डिस्कस करेंगे ऐसे इस तरह माइक्रोस्कोपी है हाँ। और फिर बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये लो एक एक इकोलॉजी का पार्ट दिया, बायोजियोग्राफी राजस्थान का जरूर थोड़ा डाटा इसमें हाँ, कि राजस्थान के वाइल्ड लाइफ रिजर्व कौन से हैं पढ़ लेते, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न है। ये तीन पेपर को लेकर आपको क्या करना है, प्रिपरेशन कर बस को पॉइंट सर पिछले बेच हमें हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, ये रिस्पॉन्स देखो मुझे पीछे भी है सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड के हैं है। तो सर इस सेशन में हम इतना ही करेंगे सर, तो डिस्कशन ही करेंगे, बहुत जल्दी कुछ और इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस आने वाले हैं। कमेंट बॉक्स आएंगे हाँ। और बहुत जल्दी हम पांचों पेपर हैं आरपी वो भी डिस्कस करने वाले हैं, और ये प्लांट वाला पार्ट देखेंगे ठीक है। सेशन में इतना ही, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे।